देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। इंतहा ये लो क्वेश्चन और कहो चुमाए वहां जाके सो जाओ। विद योर हेड ऑन द साउथ नींद अच्छी आएगी। ये लो। या गो गो गो। लिसन आई एम जस्ट किडिंग, रिलैक्स कर। मैं बस मजाक कर रहा था। कहना ये मोमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड है तो उसको तोड़ने को थोड़ा टाइम लगेगा, यू नो। सो आई बेसिकली वांट ब्रेक द आइस बट स्लोली स्लोली एंड वी गेट देयर। तलाव मुझे दे दो, तुम क्वीन साइज बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा। ऑल योर्स। इम्तियाज, तुम यहाँ से? अच्छा, मैं भी यहाँ सो जाऊँ? अरे कायनात, मैं अफ्रीका के जंगल से वापस आया हूँ। वहाँ मैं ट्राइबल्स के साथ नहीं, लेकिन मैं टेंट्स में सोया हूँ वहाँ पे। सो द काउच इज एज कम्फर्टेबल एज द बेड फॉर मी। तो जस्ट चिल आउट, रिलैक्स, वेरी श्योर। अच्छा, बहुत ही जरूरी सवाल है, तुम रात में खराटे तो नहीं मारती ना? गुड नाइट। ओए अल्लाह, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जैसे पता मिल गया, चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। मेरे प्यार की तो इंतहा। I'm so sorry, I overslept. ये सब तो मुझे करना चाहिए ना? वैसे राइट, ये सब तो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन क्या हम 1920s में हैं? रिलैक्स मिसेस कायनात सानी अलकाजी, टैमड़ी में साथ क्या हो रहा है? सुबह उठ के तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा, ऑफिस के बाद आके तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। कैन आई जस्ट मूव बैक टू अफ्रीका ऑलरेडी? कैन आई जस्ट लीव राइट नाउ? यू नो व्हाट, कॉफी तक तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम डिनर बना पाओगे, सो लीव इट, आई विल हैंडल। ओके, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो नहीं हो पाएगा, मैं चेंज करके आता हूँ। याद है कॉफी? कहा था ना कि शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूंगा।
वैसे मिसेस न्यूली वेडेड ब्राइड किसका कमरा अच्छा लगा, मेरा या इम्तियाज का? सुफियान तुम एक बार समझ लो, आई एम मैरिड नाउ एंड आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू। तो तुम क्या करते हो क्या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ शिट। रियली? मैं कुछ भी करूं तुम्हें कोई फर्क नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लीव। तो मिस हनी, अगर आज यहां पर मर जाता हूं तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सूफी तुम जो भी करोगे ना अब मुझे कुछ फील नहीं होगा। तो अगर तुम मरना ही चाहते हो ना तो प्लीज लाइक अ स्ट्रेंजर आई वुड फील बैड फॉर ह्यूमैनिटी सेक जस्ट दैट। पर तुम्हें एक चीज का फर्क जरूर पड़ना चाहिए कि अब मैं मिसेस अलकाजी हूं। यू शुड रिस्पेक्ट दैट। सो मिसेस जो भी तुम्हारा सरनेम है, टेल मी वन थिंग, हाउ शुड आई रिस्पेक्ट यू? बाय बैकिंग ऑफ। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माय हस्बैंड। ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन जब तुम खुद मेरे पास आओगी तब कैसे दूर रहूंगा? सुनो कायनात, तीन बार कबूले 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 बोलने से तुम किसी और की हो जाओगी। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हाँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी में ड्रामा किया, मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, और देखो ना वही हुआ, कोई और फायदा उठा के चला गया। What the hell is wrong with you? तुम क्या कर रहे हो? Cleaning your bed. मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। So just leave. Sufyan, just leave. Okay. लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे पास वापस आओगी खुद। Never. डेली सोप्स में तो सुना था कि बहू सास को घर से बाहर निकाल देती है, बट दिस इज अमेजिंग। आई मीन तू तो एकदम मॉडर्न अर्बन वाली निकली। पहले दिन ही गेट लॉस्ट, व्हाट्स नेक्स्ट बेटा? आई एम रियली सॉरी कायनात, आई एम जस्ट किडिंग स्वीटहार्ट, यू हैव टू गेट यूज्ड टू माय सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाट्स इट मीन। वैसे रशीदा आपा ने मुझे भेजा है, यू हैव टू कम डाउनस्टेयर्स टुडे क्योंकि apparently आज तुम्हारा पहला दिन है यहाँ पे, so you have to make something for the rest of the family. Yes. Okay, I'll see you downstairs. Yes. Bye, mom. Cheers. You know, I really love all of these Indian rasams, especially shaadi wale. Kitni unity banai rakhti hai na families mein. Haan, of course. जब मेरी शादी हुई थी तो दो मिनट वाले नूडल्स खाए थे हमने। अरे इस बार कम से कम बहू ने सिवाई तो खिलाई है। फारू, फरा, लेट इम्तियाज टेस्ट इट फर्स्ट ना। एमी बेटा, जस्ट अ टिप, खीर खराब भी लगे ना तो भी उसकी 5-star रेटिंग देना, वरना सारी जिंदगी सिवाई बनाते रह जाओगे। शट अप फारू। जब मैंने टेस्ट की थी तो अच्छी बकवास है। वो एक्चुअली कायनात एक बार सेवई ऑफिस लेके आई थी, मीठा थोड़ा कम था, बट इट डजंट मैटर, वो दिल से बनाती है तो, एंड इफ यू लव हर यू लव हर सेवई एज वेल। अम्मी सूफी चल यहां से, अब आप तो चुप ही रहो। मैं जीऊं या मरूं किसको फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है ना। अरे हमें आपको पड़ता है ना, और इस घर में तो निकाह हुआ है,
तो जाम तो बनता है बॉस। सूफी एमी, इट्स ओके, सिट डाउन। संभालो उसे, कितनी पी रखी है उसे पता है? लगातार पी रहा है कल से। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, इतना बेपरवाह हो गया, अब अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है वो। तो संभाल लो, उसे तुम्हारी जरूरत है ना, अब तो संभाल लो। बेपरवाह हो या जो भी हो, इस बार आपको संभालना ही पड़ेगा उसे। हाथ से बात निकलने जा रही है, अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो गया हो, कुछ कर लिया उस, इस बार माफ नहीं करूंगी। He just will not tolerate that. अब सूफियान को ये बात याद नहीं रहेगी और इम्तियाज दोस्ती के लिहाज में उसे कुछ कहेगा नहीं, which means Farhad will have to choose between इज्जत and friendship. I know the answer to that. So इन दोनों की दोस्ती के बीच में इन दोनों की दोस्ती आएगी? Quite an emotional sort of kuchale. You know there's one other thing that can come between two men, और वो है एक smart woman, जो ना मैं बन पाई और ना ही वो tacky बेनजीर. But Kainat Sahani, what a girl! Well done, seriously. She will be the one to destroy that friendship. Batwara to wo hi karwayegi, for sure. Where is my Caesar salad? It's on the way. Ma'am, call che. Just deal with it. Ma'am, urgent call che, college thi. College? Haan. Yes? Excuse me, Mrs. Dana Al-Qazi. Aapki beti Farha Al-Qazi has been caught in an unacceptable behavior with our college professor. What? Hello, where are you? Listen, I just could not think of anybody else. Please, please, I need your help before it's too late. Yeah. ये रहा हमारा प्यार, पैशनेट और डिस्ट्रक्टिव। तुम्हारा प्यार मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इट बर्न्स मी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इश्क, ऐसा प्यार। आई चूज इम्तियाज टू बी माई पार्टनर। बीबी, बीबी आप ये क्या कर रहे हो? बीबी बीबी कुछ हो जाएगा, बीबी आपको प्लीज बीबी मत करो ऐसा। जाए यहाँ से बीबी, बीबी प्लीज बीबी बीबी मत करो बीबी। तुझे मारता हूं ना तो मुझे दर्द होता है, तुझे ना मैंने अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार किया, पता है क्यों? ताकि तेरे को कभी अकेलापन महसूस ना हो, जैसे मेरे अब्बा ने मेरे साथ किया था। मैंने तुझे भाई माना, क्यों किया तूने ऐसे मेरे साथ? I'm sorry बीबी, पर मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी थी बीबी, वो लड़की वैसे भी आई। चुप, मुंह तोड़ दूंगा, एक शब्द निकल आना तो मार डालूंगा। बीबी आपको सब जानते हैं बीबी, अम्मी और अब्बू की दूसरी शादी के बाद आपका आपके सबके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया आपने, बट एमी भाई को भी ये बात पता थी, उन्होंने क्यों नहीं समझाया इस लड़की को बीबी? You know, he is the one, जो बात आप और वो लड़की दो बारी में सॉल्व कर सकते थे, he didn't let it happen. बट ये बात एमी भाई, चुप, अपना ब्लेम ना किसी और पे मत डाल। मेरी गलती है बीबी, मैं मानता हूँ, बट मैंने सिर्फ आपको उस लड़की से दूर रखना था। चुप, ठीक है बीबी, ओके, एमी भाई ने फिर भी उससे शादी करी ना, लेकिन इवन दो यू हैड फीलिंग्स फॉर हर, ही न्यू इट। बट अभी कोई डिसीजन मत लेना प्लीज, आपके अंदर दो बोतल विस्की की गई हुई है, प्लीज प्लीज बीबी, प्लीज डोंट टेक अ डिसीजन राइट नाउ। सो व्हाट आर यू टॉकिंग सर, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है प्रोफेसर रंज के साथ, ही इज क्लियरली लाइंग, यू आई स्वेयर ऑन एनीबॉडी। प्लीज मिस अल-काज़ी, यू हैव बीन सीन इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन विद प्रोफेसर अंश ऑन कैंपस, वी विल हैव टू रस्टिकेट यू। और आपकी मॉम को भी फोन कर दिया है, वो आती होंगी। So why would you call Ami? He's lying genuinely. There's some misunderstanding. I swear I didn't do anything. You? I really don't think it's a big deal. Excuse me. I thought Mrs. Al-Qazi आने वाली थी. So मैं Miss Farah Al-Qazi की guardian जैसी हूँ. And I think she really needs me more than anybody else. I'm sure you know Miss Farah के father और uncle इस college की funding करते हैं. And इस साल भी उन्होंने काफी funding की है. Now I'm just thinking उनको कैसा लगेगा when they'll be forced to sue you for a lot of money. Excuse me, what do you mean by that? Itne mahino se aapke reputed college ke professor Farah ko harass kar rahe the, and out of pressure jab she reacted, then you're putting the blame on her. It's a clear case that you are framing this innocent girl, and I'm just thinking itna bada scandal kaun se college mein hua hoga. My god, what the hell is going on here? Farah darling, seriously, I mean, why is my bechari bachi being targeted here in this college? You and that professor, I don't know whatever the hell his name is. God save you, because now you have to save your jobs. Mrs. Al-Qazi, Farah has done something wrong. Oh, I don't think so. That predator professor needs to be sacked, or else you will have a lawsuit against your college in no time. Of course,
वो फंडिंग बंद करने की बात तो अलग ही है ना फरा लेट्स गेट आउट ऑफ हियर यू डोंट नीड टू प्रूव योर इनोसेंस टू एनीबॉडी यू विल बी हियरिंग फ्रॉम माय लॉयर्स थैंक यू सीरियसली नाजिया आई कांट थैंक यू इनफ डार्लिंग यू नो सच में हां नाजिया आई जस्ट कांट थैंक यू फॉर सेविंग द डे यार एनी डे यार आई मीन इट्स फॉर यू फरा हाउ कुड आई नॉट सेव यू एनी टाइम लुक ऑल सेड एंड डन अब मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम यहीं पर रहो आपके साथ नो 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 आई हैव गॉट माय होटल बुकिंग्स वहाँ ठीक हूँ आई एम फाइन आई टोटली इंसिस्ट देखो अब इम्तियाज की शादी हो गई है सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ऑकवर्डनेस और वैसे भी वो दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं एज फॉर यू माय डार्लिंग डॉटर द नेक्स्ट टाइम देयर इज अ सिचुएशन आई होप यू चूज मी एज योर स्पेशल पर्सन अम्मी शादी थी सो मच स्ट्रेस आल्सो फॉर यू टू हैंडल हाय हाय भाभी Don't worry about his reaction. मैं बात कर लूँगी. I'll handle it, okay? I'll handle it. Listen, Kaya, are you sure हम honeymoon के लिए तुम और मैं just think about it again if you want. हाँ, इम्तियाज, जितना stress हम दोनों की life में चल रहा है ना, we both need a vacation. हाँ, लेकिन यार, मैं सोच रहा था हम Paris, New York या यहाँ कहीं जाएंगे और मुझे office का काम है, so I'm just very sorry about that. I'm just very. इम्तियाज, तुम कितना sorry बोलते हो? I mean, हर चीज़ के लिए sorry. It's okay. अगर तुम मुझे टिम्बुकटू भी ले जाते ना, मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ चल लेती. हाँ, लेकिन कश्मीर है डार्लिंग एंड वी विल हैव अ ब्लास्ट यू नो सॉरी मैंने डार्लिंग बोल दिया एक्चुअली मैं बहुत आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड तो मुझसे वो निकल गया मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन यस मेरी बात सुन वी आर फ्रेंड्स राइट या ऑफ कोर्स मैं लिटरली ये ऑकवर्डनेस हम दोनों के बीच में नहीं चाहती ओके सो प्रॉमिस प्रॉमिस क्रॉस योर हार्ट ओ क्रॉस माय हार्ट मैं देखती हूँ अरे आंटी आइए ना सॉरी डिस्टर्ब किया आप लोगों को पर वो बस मैं बात करना चाहती थी कायनात से श्योर आइए ना प्लीज अब मैं मुझे जरूरी ऑफिस का काम है आप अकेले में कायनात से बात कीजिए मैं जरा आता हूँ मैं वो ये प्यार शब्द है ना वो हम दोनों माँ बेटे के लिए बहुत ही बदकिस्मत साबित हुआ है जो सूफी है ना मैं जानती हूँ उसे वो मेरी तरह है वो जब ठेस पहुँचती है ना तो वो खाली हो जाता है मतलब यहाँ पे मैंने तो अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया पर सूफी वैसा नहीं है वो है ना अपने आप को वो खाली हो जाएगा अपने आप को अंधेरों में बस ढकेल देगा वो सॉरी आप मुझसे क्या चाहते हैं बात करो मेरा मतलब है एक बार बात करो उससे वो है ना एक बस ये पीना छोड़ देना तो शायद मिलो एक बार उससे प्लीज By the way, Kainat, Burberry से जो woolens खरीदे थे वो मैंने पैक कर दिए, you know, it's all. इम्तियाज, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। You should go and talk to him. Go. तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? मुझे भी नहीं पता मैं इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ। Listen, तुम्हें पता है वो कहाँ है? So just go, take it easy, take a deep breath. आशिकी में तेरी आई नो तुम वहां ही होंगे दैट डे जहां हमेशा मिला करते थे पास थे जो मेरे अब दूर होने लगे चाह है तुमको उस रब से भी ज्यादा
लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चलता